Ni hao shushu. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Muslima. Urmiya Muslima. Wow, ye Muslim mujhe nazar aaya. Tega toshi nama. Na. Toshi nama. Toshi na. Limiya yo shama. Tega limiya me yo toshi. Dhyan dhyan karane do do. Tega shangla da. Main ek lunga yo da. Nice to meet you. I'm from Pakistan. You recorder? Yeah, I record video. Yeah, vlog. Hello. Assalamu alaikum. Oh, all right. Okay. Don't forget fasting, Ramadan. What are you doing? I'm from Pakistan. Pakistan? Yes. You speak so fast. Thank you. पीछे म्यूजिक लगा हुआ है और उनकी ड्रेसिंग है। इस साइड पे दो लड़कियां खड़ी हुई हैं, इस साइड पे तीन लड़के खड़े हुए हैं। बड़ा बेचारे पे तरस आया, देखो कितनी मुश्किल से इसने वो उठाई हुई है टोकरी। हेलो नी हाउ अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम 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 बैक टू अनदर व्लॉग। और उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज आपको जैसे पता है जुम्मा का दिन है और मैं जा रहा हूँ मस्जिद में और यहाँ अपनी प्राडो डैडी है। टाइम थोड़ा सा रह गया तो अभी निकलते हैं। थोड़ा नहीं एक्चुअली, अभी एक बजे है हमारा जुम्मा, यहाँ पे होता है तकरीबन दो बजे। चाइना में हर सिटी में डिफरेंट टाइम है, लेकिन जो हमारे सिटी का टाइम है हफ्ते का, वो है तकरीबन दो बजे के करीब जुम्मा होता है। एक बज के 45 मिनट पे कभी, जब मौलवी का दिल करता है 1:45 पे कर देता है कभी, और मोस्टली जो है 2 बजे के बाद ही होता है। तो अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, काफ़ी दूर है मस्जिद मेरे से, होगी तकरीबन 13 किलोमीटर और 19 तकरीबन 19-20 किलोमीटर है आगे, क्योंकि जहाँ मैंने जाना है उस जगह पे भी जो है काफ़ी आगे, थोड़ा सा अंदर शहर के अंदर भी जो है सफ़र वगैरह करना है। तो तकरीबन 19 किलोमीटर होगा और मुझे लगेंगे 50 मिनट अपनी बाइक पे, अपनी प्राडो जिंदाबाद। अच्छा जी, मेरी यूनिवर्सिटी जो है एक तो बिल्कुल साइड पे है सिटी से, बिल्कुल अलग हो के, और दूसरा जो है यहाँ से बस ही जाती है, सबवे वगैरह भी नहीं है इस जगह में। सिटी भी इतना बड़ा नहीं है, इस वजह से जो है यहाँ पे सबवे का भी इतना ज़्यादा सिस्टम वगैरह नहीं है। थोड़ी सी सबवे है सिटी के अंदर चलती है, एक तो लाइन वगैरह जो सिटी के अंदर ही चलती हैं, और इसलिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो अपनी प्राडो जिंदाबाद। और एक दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर आप उस पर सफ़र करें, सबवे वगैरह पे सफ़र करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, उस पर बहुत ज़्यादा जो है खपत होती है। पहले आप यहाँ से सबवे जो आपको नियरेस्ट स्टेशन पड़ता है वहाँ पे जाएं, नियरेस्ट स्टेशन पे जाएं, उसके बाद जो है वेट करें 5-7 मिनट, आपको सबवे का 6 मिनट आई थिंक नॉर्मल टाइम होता है, उसका वेट करना पड़ता है। फिर उसके बाद आपको तकरीबन 40-50 मिनट जो है लगेंगे सबवे के ऊपर। दूसरी मेन चीज़ है आपको उतरने के बाद जो आगे भी पैदल चलना पड़ता है, तो ये 1 घंटे से ज़्यादा खपत हो जाती है। और बेस्ट ऑप्शन जो है वो बाइक है, बाइक पे क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब आपकी अपनी सवारी है, आपने तेज़ी से जाना है और पेट्रोल का तो कोई खर्चा वगैरह है नहीं है, इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो अपनी प्राडो जिंदाबाद। तो 50 मिनट लग जाएंगे नॉर्मल स्पीड में अगर जाऊँगा। ये हमारी यूनिवर्सिटी का दूसरा गेट है, काफ़ी बड़ा सारा गेट है, यहाँ पर मुँह लगेगा फिर खुलना है, इसलिए खुल गया। चलेंगे, ये वाला गेट बड़ा ही खूबसूरत किस्म का है, बड़ा सारा गेट है। वाह 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 जनाब साहब, बड़ा ही लेवल का मौसम है। आप दरख्त देख रहे हैं कितने प्यारे लग रहे हैं, क्योंकि अभी जो है खजान ख़त्म हो रही है, बाहर आ रही है और अभी जो है ये सारे ग्रीन हो जाएंगे फिर से। बड़े लेवल के बड़े बड़े दरख्त हैं, इनकी एज काफ़ी होती है ये दरख्तों की, इन्होंने क्योंकि वो किया होता है इनको, वो क्या पैवंद उर्दू में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैवंद किया होता है इनको। मस्जिद के मैं बाइक पहुंच चुका हूँ, मुझे लगता है टाइम बिल्कुल पूरा हो गया, 50 मिनट से ऊपर हो गए। ये नान लगा रहा बंदा, वापसी पे इससे नान खाएंगे। जमात तो नहीं शुरू हो गई, रश काफ़ी ज़्यादा मस्जिद के बाहर, जगह ढूंढते हैं कोई। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली जुम्मा वगैरह पड़ गया, अभी जो है इस साइड पे चलते हैं, इधर एक तो मार्केट की तरफ से जाना है और इधर एक मुझे शीशु नजर आ गया। नी हाउ शुशु, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुस्लिमा। उर्मिया मुस्लिमा। वाओ, ये मुस्लिम मुझे नजर आया। ओ चिका सी ना वही थे मैं खान खान को चिका खबाओ द समसा खबाओ द चिका जमा बाय चिका ये को बुका हां चिका ये को बुका चिका लियांग को बुका और चिका लियांगा ऊख है, ये 2-5 के दे रहा और ये 1-5 का चिका ही का ऊख है। चिका तो शी सेंदा है जो दवा
新疆喀什格的人他们因为他们知道那里怎么怎么的，他们都知道，所以非常他们关心那个那里的人。तो ये सिंजांग का और यहाँ पे मस्जिद के पास इसने रेडी लगाई है वो इच्छा मैं उखान को नहीं ला चली वो इच्छा मैं उखान को नहीं ला चली जिंदियां गांव है ओ जिंदियां आज पहले दिन आया मैं इसे यही बोल रहा था कि पहले मैंने कभी दिखा नहीं आपको इस जगह पे जिंदियां जुमा जीबीआर रन दो हाँ हो दा हो दा रन था तो ये मैं इससे यो हाउ डू रे ये आज पहली दफा जो है मैं इनको मिला हूँ और ये आज पहले दिन इस जगह पे आया पांच दो नान है好的，是五块钱两个吗？对对对。好的好的，给我两个呗。这个。好的。对对对。好的。你以前也在合肥吗？对。你帮家人买个多难，给他们实在。谢谢。你可以让他们。剪刀。对。没有剪刀。没有剪刀吗？没有。我跟他说，要不要给他砍掉？吃饭容易了。好的。Chinese currency ये मेरे ख्याल 5-4 RMB के हाँ दा सी सी हाँ 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 तो मैंने इसे बोला आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी और इससे दोबारा मुलाकात होगी अगले जुम्मे को हाँ दा सी सी देखिए हैं बाय बाय अच्छा जी ये नान हो गए अपने दो नान लिए गर्म है बिल्कुल ताज़ा फ्रेश नान अभी जो है हम इस साइड पर जाएंगे इधर एक और चीज़ लेनी है वो बड़े ज़बरदस्त होते हैं पावज होते हैं तो वो चल के आपको दिखाता हूँ उनके अंदर जो है फीलिंग हुई होती है वाह यार वाह इधर तो बहुत ज़्यादा लोगों ने शुरू कर दिया काम पावज वाले पहले यहाँ पे और सिस्टम लगा हुआ है वाह अच्छा तो नाम है लिमिया या शमा ये सारे नान है हाँ दा ये स्पाइसी है ये टाइगर के देखता हूँ बोलो哎，来来，哎，搞一下呗，这个。哇，也是不得。啊，十块钱三个吗？那你给我三个吧。味道所有的味道不一样的吗？啊，对。哪个是最好吃的？这个里面有东西好吃。那你给我三个呗。好。干好呀。 भाई आप तो परेशान ही हो गए हो यार अब अभी तो नहीं आएगा अभी आप ताजे तो नहीं आए ताजे भाई इसीलिए ये दो भाई नजर आए इधर परेशान हो गए चाइनीज सुन के हुजी व्लॉग्स जी चेक करना आप जाके अभी आप चेक कर लो हाँ तो अबे ये वाला दे दीजिए यार ये पहली दफा आज मैंने देखा इस जगह पे वो या तो या वो या संग नहीं शो पुया या ना जगह सी थियन ना मत जगह सी सर शुरू कर लो वो या लाड़ा वो या थियन ना लो बन वो या लाड़ा वो या थियन ना मेरा थियन ना मत क्या बोल रहा है मैं आपको थया कितने लेने गए था एक अबे थया चुशी का 10-3 है हाँ जो मर्जी ले लो आप एक एक लेना ना चूज कर लो अगली दफा जो आपको पसंद आया तो ये भी नान ले लिया मैंने जबरदस्त हो गया किस्म का अच्छा अभी इसके बाद ओए ये तो बंद ही हो गया रेस्टोरेंट यार सामान इधर खत्म कर दिया इन्होंने बड़ा इधर सामान होता था शायद आपने पहले भी देखा शायद हो सकता है रमजान शरीफ के बाद जो है इनका पता नहीं आज यार रेस्टोरेंट क्यों बंद हो गया यहाँ पे मस्जिद और मस्जिद से निकलते ही जो है पहले ये इस रेस्टोरेंट से हम चीज़ें लेते थे काफ़ी ज़्यादा पता नहीं आज बंद क्यों है कोई शायद मसला वगैरह होगा वहाँ सामने गोश्त की दुकान वगैरह और इस जगह पे ये जगह खा पा दे मैं लियो कोई चाहिए का चमक हुए वही सामान चमक हुए ओए होए यार ये तो बहुत ज़्यादा महंगे दे रहे हैं ये वाले खाओ पाओ
वहाँ पे एक बंदा 5 के दे रहा है, ये 6 के दे, ये 6 का एक दे रहा, वो उधर बंदा खड़ा हुआ 5 के दे रहा, अभी आपको दिखाया ना मैंने। बड़ा सिस्टम स्कैम हो रहा है ये। कोई नहीं यार, इनकी रोजी लगी है, बेचारे रोज थोड़ी ना आते हैं। अब जुम्मे वाले दिन इनकी सही दिहाड़ी लगनी होती है और सही बिजनेस हो जाता है बेचारे। तो ये नान जो है आपको, ये नान ट्राई करेंगे किस तरह की, ये वाले जो है नान, ये मैंने अभी जो लिए हैं ये मैंने पहली दफ़ा देखे हैं। इसने बोला है कि इसके अंदर स्पाइसीज और 2-3 चीज़ें और भी हैं जो इसके अंदर फिल की हुई है। रश काफ़ी ज़्यादा है ब्रदर, गिव मी स्पेस। लो जी, अच्छा जी, ये नान ट्राई करने, ये पहले तो हमने इस बंदे से लिए थे, सादा नान लिया था ना, तो अभी जो है, वाओ, योर ड्रेस इज ब्यूटीफुल मैन, वेयर आर यू फ्रॉम, इंडोनेशिया, नाइस टू मीट यू, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, यो रिकॉर्डर, या आई रिकॉर्ड वीडियो, या व्लॉग, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रॉम इंडोनेशिया, एंड यू आर फ्रॉम, Assalamu alaikum. Indonesia. Wow. I have a friend from Indonesia. Nice to meet you. Oh, I know him. I met this man before. How are you? Where is Kafi? Kafi. He didn't. Yeah, he didn't come today. I don't know. Oh, all right. Okay. Don't forget fasting Ramadan. Don't forget fasting Ramadan. Okay. Bye bye. Nice to meet you. अच्छा जी, जबरदस्त हो गया। अभी जो है यहाँ से निकलते हैं और घूमना फिरना थोड़ा सा। Assalamu alaikum. From Pakistan? Yes. Wow. कैसे हैं ब्रदर? किधर से हैं? किधर से? मुल्तान? मेरा दोस्त सराइकी बोलते होंगे? यार सराइकी आती नहीं है, समझ लेता हूँ। अच्छा अच्छा, मेरे दोस्त भी हैं सराइकी से। चलें ठीक है, माशाल्लाह, नाइस। अच्छा, अभी यार नान जो ट्राई करने थे वो तो दरमियान में ही रह गया। अभी इस साइड पे जाएं तो वो आती है जनाब, मार्केट आती है। यार ये नान का शॉपर उठाया हुआ, ऐसे बड़ा अजीब सा लग रहा है, ऐसे उठा कर पकड़ के घूमना, इसको बल्कि बैग में डाल देता हूँ, मेरे पास बैग है ना। अच्छा, मेरी मोबाइल की बैटरी भी थोड़ी स्लो है, उसके लिए मुझे जो है एक पावर बैंक भी खोलना पड़ेगा। पावर बैंक यहाँ पे जो है आप कुछ 2 RMB के लिए, एक घंटे के लिए जो है मिल जाता है आपको, 2 RMB में, 2-3 RMB में, तो बड़ा ज़बरदस्त होता है। उसमें आप मोबाइल वगैरह चार्ज कर ले, एक घंटा काफ़ी होता है, किराए पर मिलते हैं ना। तो ये स्ट्रीट आ गया जनाब, पुशिंग थी, आपने देखी होगी, बड़ी बहुत बड़ी स्ट्रीट है। वो सलवार कमीज पहनी है लड़की ने क्या, वो सामने ये चाइनीज ड्रेस लग रहा है, चाइनीज ही पहना हुआ है। और यार इसको पहले बैग में डाल लूँ मैं अपने, नान मैंने उठाए हुए सारे, बड़े अजीब लग रहा है, इसको डाल लेते हैं बैग में। अच्छा जी, ये वाला नान तो ट्राई नहीं किया हमने, इसको तो ट्राई करें, बड़ा ज़बरदस्त नान है इसके अंदर। इसने बोला था कि मिर्चें वगैरह भरी हैं, बड़ा ज़बरदस्त लेवल किस्म का। अभी ट्राई करते हैं इसका टेस्ट कैसा है। वैसे नान का तो नॉर्मल टेस्ट होता है, इसमें देखिए उसने क्या चीज़ खास भरी हुई है। वाह यार, लेवल क्या है, बड़ा मज़े का। लेकिन एक चीज़ है इसके अंदर, इसके अंदर मुझे ऐसे फील हो रहा है जैसे ना मिर्च जो है वो ठंडी किस्म की फील हो रही है मुझे, थोड़ी थोड़ी ठंडी लग रही है। ऐसे घूम घूम के सारे देख रहे हैं चूचू, वो उसने मुंह प्रे कर लिया। थोड़ा सा ऑकवर्ड तो लगता है बड़ा, लेकिन है कोई मसला नहीं, ऐसा तो होता ही। फिर हेलो, बहुत अच्छा टेस्ट है, अगर हमें नेक्स्ट टाइम ये वाला बंदा नजर आया तो इससे लाजमी जो है हम ये वाला नान लेंगे, ये वाला अपना फेवरेट हो गया। हादा ओह अच्छा, कह रहा है मेरी जो है तस्वीर बना दोगे, तहीं से तहीं से वन लाख पाकिस्तान ठीक है, मेरे को ऐसे ये कह रहे हैं मेरी तस्वीर बना दो। तो अच्छा जी, इनकी तस्वीर बना देते हैं, खान जी पे इनकी अच्छी सी तस्वीर बना दें, खुश हो जाए। मेरे को ऐसे ये अच्छा, इनको भी बोल दे तो ये भी बहुत अच्छी तरह पिक्चर बना देते होते हैं आपकी, तो इसलिए क्यों ना हम भी इनके हेल्प कर दिया करें। ये जहाँ पे एक चाइनीज टेम्पल है, यहाँ पे जाने की फीस 50 RMB, अंदर जाओ पैसे दो जाओ, हमने क्यों जाना इस जगह पे। यहाँ पे इसके सामने जो है इन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया हुआ है इस जगह पे, ये सामने चेक करें, ये ऑथेंटिक होती है, 2 नंबरी वगैरह काम यहाँ पे चलता नहीं है चाइना में, इसलिए जो है करते हैं। काफ़ी सारे लोग अंदर बैठे हुए हैं बस के अंदर, ब्लड डोनेशन वाले। अच्छा, ये वाली जो है पावर बैंक वाली मशीन होती है, इसको पे कर लिए, या आओ देख रहे हैं ऐसे, तो इसको आप पे करके यहाँ पे QR होता है, इधर से स्कैन करें और जनाब पावर बैंक निकाल लें, 2 घंटे
का जो एक घंटे का जो है 3 RMB लगती है, घंटा चार्ज करेंगे तो मोबाइल काफी चार्ज हो जाएगा। अरे यार ये वाला नान जो है ना, इसके अंदर आप चेक करें अखरोट भरा हुआ है, इसके अंदर नान के अंदर अखरोट, क्या कारीगरी है इनके जनाब। मुझे एक और बड़ी जबरदस्त चीज यहाँ पर नजर आई है, ये यहाँ पे मतलब जो है स्ट्रीट है सॉरी पुशिंग चाहिए, और इस जगह पे आप चेक करें कितनी लेवल की गाड़ी इन्होंने सिक्योरिटी की खड़ी की हुई है। ये सिर्फ सिक्योरिटी वालों की गाड़ी है, छोटा सा इनके साथ ऑफिस बना हुआ है। लेवल कितने की गाड़ी खड़ी की है, जैसे इस तरह की गाड़ियां जो है हमारी सिर्फ आर्मी के पास होती है, इधर उन्होंने यहाँ पे लोकल जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है उनके पास है। इतना कुछ है भी नहीं है यहाँ पे, इतने क्राइम वगैरह भी नहीं है, लेकिन चेक करें आप, है ना कमाल की बात। यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज नजर आई है, ये चेक करें यहाँ पे, आई थिंक कोई गेम वगैरह हो रही है, गेम की कोई प्रमोशन वगैरह कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। हेलो नहीं आओ, इसने मुझे ये वाला पकड़ा दिया है। क्योंकि इनको भी पता है यूट्यूब वगैरह का, इनको भी पता है क्योंकि बहुत सारे जो है जहाँ पे चाइनीज भी व्लॉगर जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे घूम फिर होते हैं, वीडियोज़ वगैरह बना रहे होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जो है फेमस स्ट्रीट है। जैसे हमारा टिकटॉक है उस तरह के इनका चाइनीज का एक और है उसको बोलते हैं, तो इन वहाँ पर जो है इनके बहुत ज़्यादा व्लॉगर्स और स्ट्रीमर्स जो है ऑनलाइन वो घूम रहे थे, इसलिए जो है इनको भी उस चीज़ का पता है। और जो यंग जनरेशन है उनको यूट्यूब वगैरह का भी पता है, वैसे मोस्टली तो यहाँ पे चाइना में यूट्यूब वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ भी अलाउ नहीं है, तो हम जो है दूसरा VPN वगैरह लगा के इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पे मुझे एक चीज़ नज़र आई है, पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा रश लगा, वो सामने शॉप है और उधर से लेके यहाँ तक जो है लाइन लगी है इस जगह पे। आई थिंक कोई आ तो ऐसे जो है वुमेंस डे भी है तो बड़े ज़्यादा इधर भूखे भी लगे हैं। नहीं आओ जगह जमा आए, जगह जमा में आएगा什么？怎么买？9.99 好的好的好的。好的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 ये जो बच्ची है ना ये अपनी दादी के साथ जो है सीक्रेटली इसको हम अपनी दादी को बोल रही है, ये फॉरनर है, कान में छुप छुप के बोल रही है। बड़ी शाय है। हेलो नहीं आओ शॉप होंगे हो इतनी ज़्यादा वो होगी, बहुत ज़्यादा शाय है, चाइनीज़ बच्चे बहुत ज़्यादा शाय होते हैं, क्यूट बहुत ज़्यादा है। अभी मुँह नहीं ऊपर उठाएगी, फिर छुप गई है। ये बच्चे को बेचारे चेक करें कैसे इसने गोर लगाई है अपनी अम्मा की तरफ, अम्मा इसकी खा रही है और उसने उसकी अम्मा की तरफ ताड़ लगाई है। बड़ा क्यूट सा बच्चा है मोटू का, चाइनीज बच्चे जो होते हैं ना क्यूट बड़े होते हैं, बड़े प्यारे लग रहे होते हैं। उसकी अम्मा खा रही है वो देख उसने मुंह कैसे उठाया। बेचारे को भूख लगी है आई थिंक, बबलू है। आओ जी ये जनाब चेक करें क्या डांस कर रही है। अच्छा ये इनकी जो होती है ना वो दूसरी स्ट्रेटजी होती है, क्या उसको बोलते हैं प्रमोशन स्ट्रेटजी होती है, कैसे इन्होंने जो है ना चार पांच जो लोग हैं यंग उनको डिफरेंट किस्म की ड्रेसिंग करके उनको खड़ा कर दिया, और वो जो है पीछे म्यूजिक लगा हुआ है और उनकी ड्रेसिंग है। इस साइड पर 2 लड़कियाँ खड़ी हुई थी, इस साइड पर 3 लड़के खड़े हुए हैं, क्या क्या करना पड़ता है यार को, बस इसी तरह ऐसे करते जाना है। इस साइड पे आगे फिर मुझे नजर आ गया, इधर तो बल्कि सारी लेडीज खड़ी हैं। ये चाइना गोल्ड नहीं सेल लगाई है सारी, 538 आरएमबी का मेरे ख्याल सोने का रेट गिरा हुआ है, 538 का ग्राम मिल रहा है कुछ भी।
ये वो भी गोल्ड की शॉप है वो सामने है, और ये वाली भी गोल्ड की शॉप है। ये पोस्टर पकड़ के हिलते रहना सारा दिन। अच्छा वैसे आसान काम तो नहीं है ना, सारा दिन इसी तरह पकड़ के ऐसे हिलते रहना म्यूजिक के ऊपर। क्या क्या करना पड़ता है रोजी हासिल करने के लिए, रिस्क कमाने के लिए, क्या क्या कितना मुश्किल होता है? बड़ा ज़्यादा यहाँ पे घूम लिया, अभी मैं जो है इसको रिटर्न करने जा रहा हूँ वो सामने। अच्छा इसकी मजे की बात है, आप किसी भी जगह पे जो है इसको रिटर्न कर सकते हैं, जहाँ पे भी आपको इस तरह के जिधर से आपने निकाली, जिस ब्रांड का निकाला है, जिधर आपको नजर आए वहाँ भी आप इसको जो है आप रिटर्न कर सकते हैं। तो मैं इसको भी रिटर्न कर रहा हूँ। ये खाली है ना, ये स्लॉट खाली है, तो इसको ये होगी वो जनाब उसके पास, अभी रिटर्न होने चला गया। बस इतना सा काम है, आपने बस निकालना है, जो जितने पैसे हमने पे किए हुए हैं वो जो है हमें वापस रिफंड मिल जाएगा। इसका इस तरह का होता है कि आपने पहले 100 RMB पे करना होता है उसको, उसमें से जो है वो आपका डिपॉजिट रख लेते हैं। अगर खुदा ना खास्ता जी ज़्यादा कोई ख़राब हो गया आपका, तो वो 100 में से काट लेंगे। जैसे ही आप पे करते हैं जितना आपने यूज़ किया होता है, उसके पैसे काट के बाकी आपको जो है रिटर्न कर देते हैं। ये जनाब कुल्फी है, यहाँ की अजीब सी कुल्फी है। ये जो है राइस जो है ना, चावल, उनको जनाब साहब इन्होंने जमाया हुआ है इसके अंदर। कितनी अजीब सी कुल्फी बनाई हुई है इधर, यहाँ उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी इन्होंने चीनी रखी हुई है। अजीब अजीब किस्म की कुल्फियाँ होती है, हमारी तो कितनी लेवल की होती है, खोए वाली कुल्फी होती है। ये चावलों की कुल्फी जनाब, खाते हैं लोग इसको, टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। कुछ भी नहीं है यार। अच्छा ये ठंडी भी नहीं है, अभी गर्म थोड़ी सी। इसका ये सीन है कि चावल है, स्टिकी राइस है ना, स्टिकी राइस के ऊपर सिर्फ इन्होंने इसके ऊपर जो है चीनी लगाई हुई है, और ये जनाब से बन गई है कुल्फी। 3 RMB की यह मिल रही है, एक 1.5 RMB की जो है आपको आधा किलो चावल मिल जाते हैं बॉयल करके, उसके ऊपर इसको ऐसे स्टिकी राइस लेके चीनी लगा और कुल्फी तैयार हो जाती है। पुलिस वाला आ गया जनाब, इधर भी इनको इजाज़त नहीं होती है छोटे छोटे स्टॉल वगैरह लगाने की। ये देखो, तो जैसे ही देखते हैं सिक्योरिटी वाले आते हैं तो फिर इनको उठना पड़ता है बेचारों को। ये जो है ना कोई भी क्राउडेड प्लेस होती है जहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल्स वगैरह लगाए होते हैं ना, तो ये सिक्योरिटी वाले आते हैं फिर आके इनको उठा देते हैं। अब सारे जा रहे हैं, देखे सारे इधर स्टॉल वाले बैठे होते हैं, अभी जा रहे हैं सारे। ऐसे ही होता है हर जगह पर, किसी भी जगह पर जो क्राउडेड प्लेस होती है जैसे सिक्योरिटी आती है फिर इनको बेचारों को उठना पड़ता है। अब ये सारा क्लियर करवा के आए होंगे हर जगह से इधर से। ये बेचारी छोटी सी बच्ची है, अपनी अम्मा के साथ हेल्प कर रही है। मैं इसे कह रहा था मैं आपकी हेल्प करता हूँ, कितना मुश्किल से उठा रही है। पकड़ी पांग नहीं कोले देखो ऐसे था तभी जावे बड़ा बेचारे पे तरस आया, देखो कितनी मुश्किल से इसने वो उठाई हुई है टोकरी, मुश्किल से उठा के जा रही है बेचारी, मुझे बड़ा तरस आया इस पर। जैसे कि मैं बाहर आ चुका हूँ यहाँ से, और अभी जब मैं वापस से आ रहा हूँ, और यहाँ का ब्लॉग जो है हम इसी जगह पे ख़त्म करते हैं, और आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।